ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का जितना बेसिक्स बताया है उसका क्वेश्चंस करने जा रहा है, ठीक है? आज ये क्वाड्रेंट का कंसेप्ट, ये फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल का डिफरेंस बता दिया है। तो आप लोग को एक वीडियो दिखा रहा, ठीक है? वीडियो का मदद से आप लोग को थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, कुछ डाउट उनसे पूछ लेना साथ साथ में। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का डिफरेंस उस दिन बता दिया था, और एक बार देखना। अभी जो वीडियो प्ले हो रहा है उसमें आपको दिखाई दे रहा होगा ये दो, ठीक है? ये हो गया फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और ये हो गया थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। तो इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन क्या होगा कि फर्स्ट में आप ऑब्जेक्ट बीच में ये सॉरी फर्स्ट में आप ऑब्जर्वर, ठीक है? फर्स्ट में ऑब्जर्वर, बीच में ऑब्जेक्ट एंड देन पीछे में प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। बट इन केस ऑफ थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या होगा, आप ऑब्जर्वर यहाँ पे, बीच में कौन क्या आ गया, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, एंड देन उसके बाद लास्ट में जाके क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है? आपको व्यूज बनाना है, ठीक है ना? कौन सा व्यूज बनाना है आपको? फ्रंट व्यूज बनाना है। कौन सा व्यू? फ्रंट व्यू कहाँ पे बनेगा? ये वर्टिकल प्लेन में बनेगा। कैसे बन रहा है देखो, ड्राइंग कैसे बनाना है देखो। यहाँ पे आप इस तरफ से देखने से, फ्रंट से देखने से आपको कुछ कुछ सर्फेसेस दिखाई देगा और कुछ कुछ नहीं दिखाई देगा। कौन सा सर्फेस दिखाई देगा? यहाँ पे ये वाला सर्फेस दिखाई देगा, ये सर्फेस आपको एक रेक्टेंगल शेप में दिखाई देगा, ये सर्फेस, और ऊपर का ये वाला सरफेस ये रेक्टेंगल शेप में दिखाई देगा, और ये साइड का पीछे का ये वाला सरफेस, ठीक है ना? सो यही रेक्टेंगल शेप को प्रोजेक्शन करके कहाँ पे बना दिया? यहाँ पे प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन बना दिया, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन में इसका व्यूज को बना दिया, ठीक है? इस तरह से तो ये सरफेस कहाँ पे बन गया, ये है प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। और ये जो नीचे में ये रेक्टेंगल शेप जो बन रहा है, ये छोटा वाला बॉक्स जो बन रहा है, वो इसका व्यू है, ठीक है ना? ये छोटा सा दिखाई दे रहा होगा, ये कट आउट का इसका शेप है, ठीक है? उसके बाद इसका शेप भी बनेगा, इसका शेप भी कहाँ पे बनेगा, इसी का नीचे पे, यहाँ पे इस तरह से बनेगा, ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा, ठीक है ना? तो इसी चीज को वीडियो में दिखा रहा है, अभी वीडियो में देख लेना एक बार और एक बार। यहाँ पे देखो, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का डिफरेंस क्या है? इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ऑब्जर्वर, फर्स्ट में ऑब्जर्वर खड़ा होकर देख रहा था, बीच में ऑब्जेक्ट, एंड देन ड्राइंग कहाँ पे बना, ये प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। बट इन केस ऑफ थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, ऑब्जर्वर इस तरफ में है, व्यू दिख रहा है, और बीच में कौन सा आ गया, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है? बीच में क्या आ गया, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, एंड देन उसके बाद जाके ऑब्जेक्ट। सो इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन ऑब्जेक्ट कहाँ पे बनेगा, खुद का व्यूज कहाँ पे बनेगा, खुद का तरफ में प्रोजेक्ट करके बनाना, ठीक है? बट इन केस ऑफ फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन इसका व्यूज को आप प्रोजेक्ट करके वॉल की तरफ में, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन की तरफ में ले जाना है, अपोजिट ऑफ द ऑब्जर्वर। नाउ नेक्स्ट, साइड व्यू के लिए देखो, जब आप इस तरफ से ऑब्जर्व करके देखेगा तो आपको सिर्फ ये वाला सरफेस दिखाई देगा, ये सरफेस जो राइट से ड्रॉ कर रहा है, सिर्फ ये वाला सरफेस दिखाई देगा, ठीक है? ये वाला सरफेस,
सो उल्टा एल शेप में दिखाई देगा ये सरफेस, बट जब साइड से देखेंगे तो आपको ये वाला एक सरफेस, यहां में एक सरफेस है जो आपको साइड से देखने से क्या होगा, ये वॉल ने क्या है ब्लॉक करके रखा हुआ, ठीक है, ये वॉल ने ब्लॉक करके रखा हुआ जिसका कारण से आप ये वाला सरफेस को नहीं देख पाएगा। एक्चुअल में है सरफेस है लेकिन आपको दिखाई नहीं देगा जब आप इस तरफ से देखेंगे। तो वैसे सरफेस को आप कैसे डिनोट करता है, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा क्या है, ये डैश लाइन से, ठीक है ना, जो सरफेस या फिर जो भी एज जो विजिबल नहीं है, जो विजिबल नहीं है मतलब हिडन है, जो भी हिडन है, लास्ट लास्ट क्लास में लाइंस का क्लास में हमने डिस्कस किया था, जो लाइंस जो एजेस जो सरफेस विजिबल नहीं हो हिडन हो उसको क्या लाइन से रिप्रेजेंट करता है, डैश लाइन से, ठीक है, उसी को रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे डैश लाइन से। नाउ नेक्स्ट टॉप व्यू। टॉप व्यू मतलब टॉप व्यू में लोग कंफ्यूजन होता है, ठीक है, फर्स्ट में आप यहाँ पे फ्रंट में खड़ा होकर देखा था, आप जिस तरह पे खड़ा है वैसे ही आप ऊपर में जाना है और रोटेट करके आपको ऑब्जर्व करना, ठीक है। कोई कोई क्या करता है कि इस तरफ में खड़ा होकर इमेजिन कर लेता है ऊपर में चला गया और इस तरफ से ऑब्जर्व करते हैं, नहीं इस तरफ से नहीं जाना, अब हमेशा फ्रंट की तरफ से उठ के आपको जाके देखना है नीचे में। उसके बाद आपको दिखाई देगा टॉप से देखने से आपको ये सरफेस दिखाई देगा, ये वाला सरफेस विजिबल होगा जो कि यहाँ पे ये वाला सरफेस, और दूसरा सरफेस आएगा ये वाला सरफेस जो है ये वाला, सिमिलरली सेम प्रोसेस थर्ड एंगल प्रोजेक्शन भी, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के लिए भी वैसा ही करना है, सेम प्रोसेस करना है आपको। फर्स्ट आपने फ्रंट व्यू यहां से बना दिया, ये प्लेन में आपने फ्रंट व्यू बना दिया, ये सरफेस को यहां पे बनाया, ये वाला सरफेस को यहां पे बना दिया और ये वाला सरफेस को यहां पे बना दिया ये रेक्टेंगल शेप में। वैसे ही सेम प्रोसेस जब आप इस तरफ से देखेगा तो आपको दिखाई देगा ये उल्टा एल शेप में, आपको ये वाला सरफेस दिखाई देगा, उसको यहाँ पे बना दिया और पीछे का ये वाला सरफेस जो विजिबल नहीं है उसको आपने यहाँ पे डॉटेड लाइन से दिखा दिया। एंड देन किसका ऑडियो, किसी का वहां से ऑडियो आ रहा है, बंद कर लो। एंड देन जब टॉप व्यू बनाने के लिए क्या करना, आपको फ्रंट जिस तरफ में फ्रंट है वो डायरेक्शन से आप ऊपर चढ़ के जाना है एंड देन वहां से रोटेट करके आपको नीचे देखना है, ठीक है, आप इस तरह से ऊपर में उड़ के आपको नीचे में देखना है, ऑब्जर्व करना है एंड देन उसका व्यू बनाओ, ये ऑब्जेक्ट का व्यू। आपको टॉप से देखने से कौन सा सरफेस दिखा देगा, आपको ये वाला ऊपर वाला सरफेस दिखा देगा, ये सरफेस, और ये वाला सरफेस, इसी को आप इस तरह से इसी के डायग्राम को आप ये वाला प्लेन में बनाएंगे, ये प्लेन में बनाने से आपको इस तरह से कुछ दिखाई देगा,
ऐसा कुछ शेप बनेगा। वही यहाँ पे देखना, यहाँ पे हाँ ना, ड्राइंग बना लेने के बाद, ड्राइंग बना लेने के बाद आप ऑब्जेक्ट को निकाल देना है, ठीक है। आपने यहाँ पे खड़ा होकर आपने फ्रंट व्यू को यहाँ पे बना दिया, ये हो गया फ्रंट व्यू। और फिर आपने इस तरफ जाके यहाँ से देखा आपने, उसके बाद साइड व्यू आपने यहाँ पे बना दिया। एंड देन आप यहाँ से ऊपर जाके आपने इसका टॉप व्यूज को बनाया, टॉप व्यूज का डायग्राम यहाँ पे बन गया, ये हो गया टॉप व्यू। उसके बाद ये तीनों प्लेन को अलग अलग करना है, उसके लिए ये दो प्लेन, ये वर्टिकल प्लेन और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, इसको तो बता दिया था किस तरफ से, किस तरह से रोटेट करना है। यहाँ से ये लाइन दिख रहा ना, ये फोल्डिंग लाइन, यहाँ से आपको नीचे की तरफ में रोटेट करना है। कितना डिग्री? 90 डिग्री, क्लॉकवाइज बताया था, 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करना है। और यहाँ से आपको इमेजिन करना होगा कि ये प्लेन को आपने यहाँ से कट कर दिया, यहाँ पे जो सीजर का मार्क दिखाई दे रहा होगा, आप यहाँ से कट कर देना है। एंड देन कट करने के बाद इसको रोटेट करके ले जाओ उस तरफ 90 डिग्री, तो आप इस तरह से कुछ बनेगा। और ये वाला प्लेन जब नीचे चला जाएगा तो ऐसा कुछ बनेगा। नेक्स्ट पेज में आपको दिखाई देगा, नेक्स्ट स्लाइड में। ये हो गया, व्यूज बना लिया अपने, फ्रंट व्यू यहाँ पे बना दिया, साइड व्यू यहाँ पे बना दिया, और यहाँ पे बना दिया टॉप व्यू, उसके बाद रोटेट कर दिया। यही चीज को ये इंक्लाइन व्यू में है, ऑर्थोग्राफिक आइसोमेट्रिक व्यू में है, इसका जब आप ऑर्थोग्राफिक व्यू में देखने से इस तरह से दिखाई देगा आपको। इस तरह से आपको तीन व्यूज बनाना है। कौन सा व्यूज बनाना है? साइड व्यू में कोई भी हो सकता है, लेफ्ट साइड व्यू भी हो सकता है और राइट साइड व्यू भी हो सकता है। आपको फ्रंट व्यू बनाना होगा एंड देन आपको टॉप व्यू। वैसे ही सेम प्रोसेस थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के लिए भी, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन भी सेम प्रोसेस रहेगा, बस डिफरेंस ये रहेगा कि इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन वीपी ऊपर में रहेगा और एचपी नीचे में रहेगा, इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन एचपी ऊपर में होगा और वीपी नीचे में। क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है यहाँ पे, कुछ डाउट उनसे पूछ लो, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है? आवाज आ रहा है? ठीक नो सर। है, अगर समझ गया होने से क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया होगा, यहाँ पे देखना, यहाँ पे ये कौन सा व्यू है बताओ, ये वाला व्यू, ये कौन सा व्यू है, कौन सा व्यू है ये? हेलो, आवाज आ रहा है? यस सर, हाँ, ये कौन सा व्यू है? साइड व्यू। हाँ, कौन सा साइड व्यू? साइड व्यू दो होता है, कौन सा साइड व्यू? लेफ्ट साइड व्यू। ओके लेफ्ट नहीं होगा, ठीक है, राइट साइड व्यू, ठीक है ना। ऑब्जर्वर यहाँ पे, ठीक है, आप यहाँ पे खड़ा था, आपका राइट हैंड साइड ये वाला है और आपका लेफ्ट हैंड साइड वो वाला है, ठीक है ना। तो आपने जिस तरफ से जाके देखा, जिस तरफ गया आप, राइट साइड तरफ गया ना, यहाँ पे जाके आपने देखा, तो वो क्या हो गया? राइट साइड व्यू, ठीक है, राइट साइड व्यू। सो इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन राइट साइड व्यू कहाँ पे गया? राइट साइड व्यू को कहाँ पे बनाया? देखो यहाँ पे किस तरफ में गया, राइट साइड व्यू, राइट साइड व्यू लेफ्ट में आएगा, ठीक है ना। क्या क्या होगा? इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन राइट साइड व्यू, राइट साइड व्यू क्या क्या हो जाएगा, कहाँ पे बनेगा? लेफ्ट में बनेगा, ठीक है, लेफ्ट में बनेगा। और इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन साइड व्यू कहाँ पे बनेगा? कौन सा साइड व्यू? ये राइट साइड व्यू है ना, राइट साइड व्यू कहाँ पे बनेगा? हमेशा राइट में ही बनेगा, इसको डिफरेंस, लेफ्ट नहीं, राइट में बनेगा। इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में राइट साइड हमेशा राइट में ही बनेगा, बट इन केस ऑफ
फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, इन केस ऑफ फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन क्या होगा, राइट साइड व्यू हमेशा लेफ्ट में बनेगा, इसको याद रख लो, ठीक है ना। और इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन क्या बताया था, इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन वीपी ऊपर में रहेगा, कहां पर रहेगा, वीपी ऊपर में, ऊपर में, और एचपी नीचे में। बट इन केस ऑफ थर्ड एंगल प्रोजेक्शन इसका जस्ट अपोजिट, इन केस ऑफ थर्ड एंगल प्रोजेक्शन इट इज जस्ट अपोजिट, एचपी इज अबव एक्स वाई लाइन एंड वीपी इज बिलो बिलो एक्स वाई लाइन। क्लियर है? नाउ नाउ इसको डिस्कस करते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ पे, इसको, ये क्वेश्चन को आप लोग का जो फाइनल एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेगा इस तरफ से, इस तरह से बन सकता है, ठीक है ना। इस तरह से एक क्वेश्चन दे देगा आपको, उसके बाद आपको एरो का डायरेक्शन दे देगा, इस तरफ से देखने से इसका व्यू कैसे बनेगा, इसका शेप कौन सा कैसे बनेगा, ये क्वेश्चन पूछेगा। तो अभी बताओ ये कौन सा व्यू कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, कौन सा सही होगा बताओ। चल ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी सर, ऑप्शन डी, और किसी का, ऑप्शन ए, बी किसी का आ रहा है, ऑप्शन डी होगा, डी होगा ना, मेजोरिटी मतलब कंफर्म बोला, ऑप्शन डी आ रहा है, ठीक है, डी सही होगा। क्यों सही होगा, देखो इधर, जब आप इस तरफ से ऑब्जर्व करेगा, इस तरफ से व्यू देखेगा, तो आपको ये यू शेप दिखा देगा ना, है कि नहीं, आपको ये वाला शेप दिखा देगा, ये वाला शेप सिर्फ दिखा देगा, ठीक है ना। ये बीच में खाली है, यहाँ पे दिख रहा है ना, ये बीच में खाली है, कट के निकला हुआ है, तो बीच में खाली मतलब ये लाइन और ये लाइन का बीच में खाली होना चाहिए, तो यहाँ पे लाइन बन गया, यहाँ पे दिख रहा होगा ना, ये लाइन बन गया, ये लाइन बन गया, मतलब गलत हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पे भी ये ऑप्शन बी, ऑप्शन बी वाला में देखो गलत कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे वेट एक मिनट, सेंटर में, हाँ सेंटर का जो ये यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे इसका नीचे में लाइन नहीं गया ना, नीचे में लाइन नहीं गया, लेकिन यहाँ पे देखो व्यूज, यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया हुआ है, ये कि ये लाइन नहीं होगा यहाँ पे, और ये तो पूरा ही गलत है, तो ऑप्शन डी, ठीक है। क्वेश्चन इस तरह से बनेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 को देखो, क्वेश्चन नंबर 20 क्या लिखा हुआ है, इन दिस डायग्राम एफ इज फ्रंट व्यू, क्या है यहाँ पे, ऐसा चार डायग्राम दे दिया है, ठीक है, डायग्राम इस तरह से है, आपको कंफ्यूज होगा, बी डी एफ ए एंड सी, यहाँ पे बता दिया कि फ्रंट जो है कौन सा व्यू है, एफ जो कौन सा व्यू है, फ्रंट व्यू, एफ मतलब ये फ्रंट, ठीक है ना। सो विच ऑफ द फॉलोइंग व्यूज ए बी सी एंड डी इंडिकेट लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड व्यू, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल दिया, ए बी सी एंड डी, कौन सा, ए बी सी सी एंड डी, ये चारों में से कौन सा जो है साइड व्यू, कौन सा साइड व्यू, लेफ्ट साइड व्यू इंडिकेट कर रहा है, कौन सा साइड व्यू लेफ्ट साइड व्यू, लेफ्ट साइड व्यू मेंशन किया है, कौन सा होगा लेफ्ट साइड व्यू बताओ। चल अगर एफ फ्रंट व्यू है तो लेफ्ट साइड व्यू कौन सा होगा, इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, एंगल भी दिया हुआ है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में अलग होगा और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में अलग होगा, इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन कौन सा होगा लेफ्ट साइड व्यू, कौन सा होगा, ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए, और किसी का अगर एफ जो फ्रंट व्यू है इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, ठीक है, कौन सा इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, तो लेफ्ट साइड व्यू कौन सा होगा, ऑप्शन ए बी सी डी, ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। क्यों सही होगा, देखो हम लोग ने डिस्कस किया था इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन क्या होगा, इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन क्या होगा, लेफ्ट साइड व्यू जो है हमेशा राइट में चला जाएगा, राइट साइड में चला जाएगा, और राइट साइड व्यू जो है हमेशा लेफ्ट में चला जाएगा, ये डिस्कस किया था ना। सो इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन लेफ्ट साइड व्यू मतलब राइट में चला जाएगा, ठीक है ना, लेफ्ट साइड व्यू राइट में चला जाएगा,
और ये ऑप्शन डी कौन सा व्यू है? ऑप्शन डी कौन सा व्यू है? डी वाला सर, राइट साइड। हाँ राइट साइड व्यू, ये जो है राइट साइड व्यू हो जाएगा, ठीक है। और ऑप्शन सी कौन सा व्यू हो जाएगा? ऑप्शन सी, ये जो है टॉप व्यू हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करना, ठीक है। तो आज के लिए इतना करते हैं, और क्वेश्चंस दे देगा, ठीक है। आप लोग को क्वेश्चंस दे के आपको सॉल्व करना और कुछ डाउट उनसे नेक्स्ट क्लास में पूछ देना, ठीक है। कंसेप्ट इतना ही है, ठीक है। क्वेश्चंस आप लोग को भेज रहे हैं, आप लोग सॉल्व करके देख लेना, कुछ डाउट उनसे नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, ठीक है।